हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू टेक प्लस gadgets.com। आज की वीडियो में फिर से बात करने जा रहा हूँ Xiaomi के बारे में, क्योंकि तीन चार दिन से Xiaomi जो है बहुत ज़्यादा हाइक पे चल रहा है। Xiaomi ने अभी कुछ दिन पहले ही एक पैटेंट खरीद लिया है। उस पैटेंट में ऐसा है कि फोर साइडेड एज के साथ वो फ़ोन आने वाला है और उसका प्रोटोटाइप वगैरह बनेगा। इन फ्यूचर वो फ़ोन वैसा लाने वाले हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जो मैं आई बटन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जो Xiaomi ने जो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव स्टेप उठाया है, तो उस वीडियो को देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MI 9 के बारे में। MI सीरीज़ के फ़ोन जो होते हैं वो बहुत प्रीमियम फ़ोन होते हैं Xiaomi के लिए, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो भी काफ़ी मतलब सबसे बेस्ट होते हैं, टॉप नॉच पे होते हैं, फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर ही आता है। तो उसी के साथ जो MI 9 है वो लॉन्च होने वाला है 20 फरवरी को, और उसके लॉन्च इवेंट से पहले ही Xiaomi ने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी गेन कर ली है। वो कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको दबाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ और आप मुझे ऐसे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कंट्रोवर्सी ये है कि 20 फरवरी को चाइना में बीजिंग के अंदर ये MI 9 लॉन्च हो रहा है, लॉन्च इवेंट है। उसी दिन सेम सैन फ्रांसिस्को में ये जो सैमसंग का गैलेक्सी S10 सीरीज़ है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो ये कुछ Xiaomi की बहुत ख़तरनाक सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो उसने आज दिखाई है। मतलब उसने ये न्यूज़ कल परसों ही में ही रिलीज़ की है। वीवो के अंदर एक वेबसाइट है, उस पर ऑफिशियली जो उनके Xiaomi के जो CEO है उन्होंने डाला है। और मेन चीज़ ये है कि जो सैमसंग ने जो लॉन्च इवेंट था वो बहुत दिन पहले ही डाल दिया था, तो उसको एक तरीके से कंपटीशन देने के लिए ये जो Xiaomi ने ये इवेंट सेम डेट को रखा है, ताकि वो वहाँ की भीड़ इधर ला सकें और थोड़ा बहुत मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि वहाँ के जो प्रेस और मीडिया वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं और इस वीडियो में MI 9 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि MI 9 जो है वो स्नैपड्रैगन 855 के साथ आने वाला है, जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है, तो वो उसके साथ वो फ़ोन आने वाला है। इसमें जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 98% ऐसा है कि रियल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइक पे आज के टाइम पे रूमर्स वगैरह जो होती है फोन के लिए वो ऑलमोस्ट सेम होती है। 5G के बारे में इसमें सुना है कि 5G होने वाला है, पर ये जो 5G के बारे में जो है वो कन्फर्म नहीं है कि वो होगा भी कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बाकी जो इसमें जो कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा है। एक इमेज जो है वो लॉन्च करी थी, जो आज उन्होंने अपलोड करी थी वीवो के एक वेबसाइट पे ऑफिशियल, तो ये आप इमेज देख सकते हैं। जो ये इमेज है इसमें एक जो बंदा है वो चाइना का कोई फेमस सिंगर विंगर टाइप का है, तो ये फोन लेके खड़ा हुआ है, तो इसमें ट्रिपल कैमरा आपको दिख जाता है। तो ये बताता है कि जो MI 9 आने वाला है वो ट्रिपल कैमरा के साथ आने वाला है। और उन्होंने एक चाइनीज में भी कुछ तो भी एक बैनर लिखा है, उस चाइनीज में जो बैनर लिखा है उसका मतलब यही है कि बैटल एंजल्स। ये बैटल एंजल्स वो कॉन्ट्रोवर्सी के लिए ही लिखा है उन्होंने, क्योंकि सेम तारीख को फोन आने वाले हैं, तो Xiaomi ये बता रहा है कि भाई हम भी तैयार हैं। और जो इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशन है वो कैमरा 25 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा होगा, सोनी का कैमरा लगा हुआ है इसमें। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। Xiaomi का ये पहला फ़ोन होगा जो स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट के साथ ही आने वाला है। नॉच नहीं है इसमें, वाटर ड्रॉप वाला वो होगा, नॉच होगा जो छोटा रहता है साइज़ में। और स्क्रीन जो है वो आपको 6.3 इंच समथिंग की AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। उसका कैमरा जो 23 मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल का ही रहेगा। इसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि 27 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आने वाला है। MIUI 10 आएगा इसमें बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MIUI 9 आने वाला है। कि बैटरी की बात कर लेते हैं तो 3500 mAh की इसकी बैटरी रहेगी, और एक्सपेक्टेड कलर जो सुने हैं वो ये है ब्लैक, ब्लू और गोल्ड टाइप में जो एक फ़ोन रिलीज़ होने वाला है। कोरल रूरल टाइप का जो ग्रेडियंट टाइप का जो कलर चल रहा है उसमें भी ये फ़ोन रिलीज़ हो सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि UI ने भी इस बेसिस पे फ़ोन रिलीज़ किया, तो वैसे भी फ़ोन आने के पूरे चांसेस हैं। इसकी जो स्टोरेज की बात करते हैं वो 8 GB इसका जो रैम है वो सबसे ज़्यादा ही रहेगा, उससे कम ये रैम के साथ नहीं आने वाला है। 256 GB इंटरनल रहेगी और एक 128 GB के साथ भी ये फ़ोन आने वाला है। और इसका जो रिलीजिंग डेट है वो भी नहीं पता, लॉन्चिंग डेट 20 फरवरी है। जब ये कब से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा इस बारे में अभी Xiaomi ने नहीं बताया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में अभी लॉन्चिंग का और रिलीजिंग का कोई भी मतलब कोई भी दूर दूर तक न्यूज़ नहीं है, पर काफ़ी जल्दी ये फ़ोन भी इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तो 1-2 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन Xiaomi आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है इंडिया में, तो बहुत ही जल्दी ये फ़ोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देने वाला है एज़ कम्पेयर टू लुक वाइज
क्योंकि Xiaomi ने ये दावा किया है कि ये फ़ोन जो है वो कंपनी का Xiaomi कंपनी का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग फ़ोन होने वाला है अभी तक में। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा रूमर और बहुत ज़्यादा उसके बाद ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तब देखते हैं इस फ़ोन की जो असलियत है वो क्या होने वाली है, क्योंकि लॉन्च के बाद फ़ोन हैंड्स ऑन होंगे, रिव्यूज़ के बाद पता पड़ी जाएगा कि ये फ़ोन किस लेवल का है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आप Xiaomi Mi 9 के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है और हमारे चैनल के सारे सोशल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पीस।